आज हम जिस जगह पर विजिट करने जा रहे हैं वो है लाहौर के करीब शादरा में जहांगीर का मकबरा। जहांगीर की वसीयत के मुताबिक ये मकबरा रावी के दूसरी जानिब पुरफिजा मकाम पर तामीर करवाया गया। इस इमारत को 16 दफ़ा सैलाब ने भी नुकसान पहुंचाया। ये इमारत 1988 में आने वाले सैलाब में तकरीबन 5 दिन 10 फुट पानी में डूबी रही, जिसकी वजह से इस इमारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये इस मकबरे का मेन एंट्रेंस गेट है। इस मकबरे के अंदर जाने से पहले हम आपको एक और अहम मकाम की तरफ ले चलते हैं। ये मकाम है यहाँ का कुआं। मुगलिया दौर में इस मकबरे के बागात को सैराब करने के लिए यहाँ से पानी इस्तेमाल किया जाता था। सिखों के दौर में इस कुएं को फांसी घाट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। राजा रणजीत सिंह अपने हुकूमत के बागियों को इस कुएं में फांसी दिया करता था। ये दरवाज़ा दूसरे शहरों से आने वाले ताजरों के लिए मखसूस था। मेन गेट से जिस बाग में हम दाखिल होते हैं उसे अकबरी सराय कहा जाता है। तारीख में इस मकाम को पहले जल्लू खाना रोजा कहा जाता था, बाद में इसका नाम अकबरी सराय रख दिया गया। इस हाते में दो दरवाजे शुमाल और जनूब की तरफ बने हुए हैं। ये जो आपको कमरे नजर आ रहे हैं इनकी टोटल तादाद 180 है। हर कमरे के आगे बरामदे बने हुए हैं जो रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। इन कमरों को ब्रिटिश दौर में कोयले के डिपो के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इस इमारत का चेहरा भी मक्स हुआ। कहा जाता है इस हाते में दरख्त इन इमारतों से भी ज्यादा पुराने हैं। इन दरख्तों ने हर दौर के हर हुक्मरानों को देखा, जो आज भी आने वाले विजिटर को साया मुयस्सर कर रहे हैं। अकबरी सराय के बाग को चार हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें जाने के लिए चारों तरफ राहदारी बनी हुई है। ये जो दरवाजा हमें नजर आ रहा है ये हमें जहांगीर के मकबरे की तरफ ले जाएगा। ये दरवाज़ा सुर्ख संगमरमर से बना हुआ है, जिस पे सफ़ेद संगमरमर से बहुत ही नफीस काम किया गया है। इस इमारत पे किया गया काम बुरी तरह खराब हो चुका है।
इस मकबरे की तामीर तकरीबन 10 साल में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर का आगाज 1627 में हुआ। जहांगीर की वफात के बाद उसके बेटे शाहजहां ने इस आलीशान मकबरे की तामीर का हुक्म दिया। ये मकबरा जहांगीर की बेगम नूरजहां के जेरे साया तामीर हुआ। तारीख के मुताबिक नूरजहां ने इस मकबरे को बनाने के लिए अपने खजाने में से खसूसी रकम अदा की। ये राहदारी मुगलिया दौर की ईंटों से बनाई गई है। इस राहदारी पर चंद कदम आगे बढ़े तो एक हौज नजर आता है। जिसके अंदर उस दौर में फौरे चला करते थे। इस हाथे में इस तरह के टोटल 8 फौरे हैं। इन चश्मों से निकलने वाला पानी इन राहदारियों पे चल के एक हलका बनाता है जो पूरे बाग को सैराब करता है। इस बिल्डिंग के टोटल 4 मीनार हैं और इन मीनारों पर सफ़ेद संगमरमर चढ़ाया गया है और इनकी लंबाई 30 मीटर है। अब जिस मकबरे में हम दाखिल हो रहे हैं इनका पूरा नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम खान था। इनकी वालदा प्यार से इनको शेखू के नाम से पुकारा करती थीं। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, सजदे में निगाह रहे, हर खोशो खिरत पेशे बादशाह रहे, जिल्ले सुभानी, ताजदारे हिंदुस्तान, शहंशाह जहांगीर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। ये सदा लगाने वाला अब कोई ना रहा और ना ताकत के ये सब चश्मे रहे। बेजोर वर्ल्ड जवान जिन्हें कहिए पहाड़ था, जब आई मौजे हादसा तिनके से बह गए। इनकी पैदाइश 1569 में इंडिया के शहर फतेहपुर सिकरी में हुई। और कश्मीर से लाहौर आते हुए 1627 में गुजरात के मुकाम पर वफात पाई। राजा रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में इस मकबरे की बेहुरमती करते हुए इनके मकबरे से कीमती पत्थर और जवाहरात निकाल लिए और इनको अमृतसर की गोल्डन टेंपल की सजावट के लिए इस्तेमाल किया और इस मकबरे में से हर कीमती पत्थर को उखाड़ लिया गया। और रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में उसके एक वजीर की रहायशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। मुगलिया दौर में बनाई गई इस इमारत का फर्श ईरानी कलीन के तर्ज पर बनाया गया। इस इमारत में लगाया हुआ पत्थर बहुत ही नफीस और दीदाज़ेब है।
इस मकबरे के गिर्द बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जिसमें लगातार कुरान खानी करवाई जाती थी। अब इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। जो अपने अबाबे इख्तियार से तवज्जो के मुतलाशी हैं। इन कमरों के गिर्द बहुत ही खूबसूरत बरामदे बनाए गए हैं। उस दौर में किया गया खूबसूरत काम अभी भी कहीं ना कहीं नजर आता है, जो हर देखने वाली आंख को हैरान कर देता है। इन छतों पर लगे हुए कुंडे उस दौर में हाथ से चलने वाले पंखों का काम देते थे। मुगलिया दौर में इस फर्श पर लगाया हुआ पत्थर आज भी पांव को ठंडक मयसर करता है। इस पत्थर का नाम संगे बादल है। ये मीनार 4 मंजिला हैं और इनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस इमारत पे बचा कुचा काम बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करता है। महकमा आसारे कदीमा की जानिब से इस मकबरे की रेनोवेट का काम शुरू किया गया है। इस बिल्डिंग पर लगाया जाने वाला पत्थर आज भी हिंदुस्तान से मंगाया जाता है। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब है, लेकिन इसकी भी बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई जगह पे एक नई वीडियो के साथ।